हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी बातों पर चर्चा करने वाला हूं जो हर एक मसीह विश्वासी के लिए जरूरी है। क्योंकि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम सब का जो अंत है वो कहाँ होने वाला है। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसका अंत कैसा होगा, जो प्रभु पर विश्वास करते हुए पाप में जी रहा है उसका अंत कैसा होने वाला है। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर ना देखें। इससे क्या होगा कि आप वीडियो के जो बातें वीडियो में बता रहा हूं वो समझ नहीं पाएंगे, और होगा क्या, आप अधूरे ज्ञान पाकर यहां से चले जाएंगे। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5-10 मिनट और रुक जाइए, पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आप वीडियो को समझ पाएं। और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जब वीडियो शेयर करेंगे तो एक पापी शायद इस वचन को सुनकर मन फिरा ले। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम सब मसीह भाई बहनों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग जाना चाहते हैं। हमारा अंत क्या होगा, कहां जाएंगे मसीह विश्वासी लोग? देखिए, वचन बताता है, बाइबल ये बताती है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, पापों से मन फिरा लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन उद्धार होने से ही आप स्वर्ग नहीं जाते हैं, उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे, अगर उस समय आप पवित्र नहीं मिले, आपके जीवन में उद्धार नहीं मिला, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी उद्धार पा लिए और उसके बाद पूरा जिंदगी नरक में जाने वाले काम कर रहे हैं, पाप में गिरे हुए हैं, पापी काम कर रहे हैं, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, फिर से वो पुराने स्वभाव में चले गए हैं, इससे क्या होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पवित्र जीवन जिएंगे तो जरूर आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया ताकि हम यीशु मसीह के वचन को सुने, उसके वचनों के अनुसार जीवन जिए, ताकि अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त हो सके। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण तो कर चुका है, लेकिन आज भी पाप में जीवन बिता रहा है, आज भी वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं पापी कहां हो सकता हूं, मैं तो यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में मानता हूं, मैं किसी दूसरे को ईश्वर मानता ही नहीं हूं, मेरा तो एक ही परमेश्वर है, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं हर एक चीज करता हूं जो बाइबल मुझे बताती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार अपने आप को जांचिए, और अगर देखिए कि ऐसा कोई स्वभाव जो पहले आपके जीवन में था यीशु को ग्रहण करने से पहले, बुराई वाला स्वभाव, आज आपके जीवन में है या नहीं है। अगर आज भी आप पुराने स्वभाव में हैं, आज भी आप गलत चीजों में हैं, आज भी आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, आज भी आप दूसरों की चुगली करते हैं, आज भी आप झूठ बोलते हैं, आज भी आप व्यभिचार अपने मन में कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको स्वर्ग जाने से रोकती हैं, ये जांचने का विषय है। आप जांचिए, अगर इन सब में आप हैं तो परमेश्वर के पास आइए, क्षमा मांगिए और अपने जीवन को फिर से पवित्र करिए, क्योंकि यीशु के आगमन से पहले अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, नहीं तो यीशु आएगा और उस समय अगर आप पवित्र नहीं मिले, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, और जहां पर आप जाओगे, अगर आप पापी जीवन बिता रहे हो, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो कहां भेजा जाएगा आपको पता है? अनंत काल के नरक में, जहां पर दांत पीसना और रोना होगा। यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसी जगह डाला जाएगा शैतान के साथ चलने वाला व्यक्ति, बुराई में पड़े हुए व्यक्ति, जिसका उद्धार होने के बाद भी अगर वो पाप में जीवन बिताता है, वैसा व्यक्ति कहां डाला जाएगा? अनंत काल के नरक में, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय की 51 आयत पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? तब वह उसे भरी ताड़ना देगा, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर कह रहा है उसे कपटियों के साथ उसका भाग ठहराया जाएगा, शैतान के साथ उसका भाग ठहराया जाएगा, और वहां पर क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा नरक में। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां दर्द ही दर्द होगा? थोड़े दिन इस पृथ्वी पर रहते हुए अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, परेशानी में, तो बर्दाश्त कर लो इस परेशानी को। थोड़े दिन अगर आप परीक्षाओं में पढ़ रहे हो, थोड़े दिन अगर आपके जीवन में दुख और मुसीबतें आ रही हैं, आपके कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उसको बर्दाश्त करो यीशु मसीह के साथ चलने के कारण। देखो, अगर आप इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु में चलने के कारण सताए जाते हो तो आप धन्य हो, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन थोड़े से दिन की इस पृथ्वी पे जितने दिन की खुशी को इस जीवन में अनुभव करने के चक्कर में अनंत काल के नरक में मत चले जाना। थोड़े इसी मजे के चक्कर में सजा ना भुगत लेना अपने जीवन में, ठीक है ना? थोड़े मजा इस पृथ्वी में ले लो, उसके बाद अनंत काल के नरक में चले जाओगे, तब तुम्हारा क्या फायदा होगा? इसीलिए प्रभु कहता है कि अपने जीवन को परखो, वो दांत पीसना रोना होगा वहां पर, बहुत भयानक जगह है नरक।
वहां पर आग कभी बुझती नहीं है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है, वहां तड़पना, चिल्लाते रहोगे, बिलखते रहोगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पाप के स्वभाव से मन फिरा लो, क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आज आपके पास मौका है, अगर आप एक मसीह होते हुए भी पाप में जीवन जी रहे हो तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अभी तक उद्धार में आए नहीं हो पूरी तरह। आपका उद्धार नहीं हुआ है सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं हो जाता है, उसके अनुसार जीवन भी जीना पड़ता है यीशु मसीह के वचन के अनुसार, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। ठीक है ना, एक नामधारी मसीह बनने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या कहा है, प्रभु का वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना उसका 3:16 पढ़ते, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो रोने और दांत पीसने वाली जगह पे नहीं डाला जाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन क्या है, स्वर्ग है, जहां अनादि अनादि काल तक आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। वहां ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना परेशानी होगी, ना बीमारी होगी, ना कोई भी चीज अशांति की वहां पर होगी। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर रहते हो अगर आप दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में, अशांति में जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, तो आप आनंदित हो जाओ, क्योंकि इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़े दिन की दुखों को सह लीजिए, थोड़ी सी परेशानियों को झेल लीजिए, यीशु मसीह के सिर को ऊंचा करिए, शैतान के सिर को ऊंचा मत करिए, शैतान के सिर को झुकाइए। कैसे झुका पाओगे आप शैतान के सिर को, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जी के। जब आप शैतान के हर बातों को काट देते हो, जब आपके मन में बुराई शैतान डालता है, व्यभिचार डालता है कि देख ये स्त्री कितनी सुंदर है, देख ये पुरुष कितना सुंदर है, ऐसे करके जब वो आपके मन में व्यभिचार डालता है, आप कहते हो नहीं, मेरा प्रभु कहता है कि तू किसी स्त्री को बुरी नजर से भी नहीं देखना, नहीं तो तू अपने मन में व्यभिचार कर चुका है, ऐसा बोलकर आप शैतान के सिर को झुका देते हो। जब आपकी जीभ आपको गंदी बातें बोलने के लिए कहती है कि गाली दे इसको, आपके मुंह से कोई गाली निकालो, तब आप अपने मन में जो वचन आपको याद आता है, वचन कहता है कि तू दूसरे को बुराई मत करना, दूसरे को गाली मत देना, दूसरे की चुगली मत करना, ये वचन बोलकर आप शैतान को हराओ, ये चाहता है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? जरा जांच कर देखिए मेरे प्रियो, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं या नरक जाने के लिए अभी भी खड़े हुए हैं लाइन में? जांचने का विषय है हर एक विश्वासी को। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद अपने जीवन को जांच लीजिएगा कि सच में आप स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं या आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन आएगा, उस दिन अगर आप तैयारी करने बैठोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। तैयारी करने का आज समय है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन निकट है, मन फिराओ यीशु बादलों पर आने वाला है, और जो यीशु आएगा वो न्यायी बन के आएगा। अब वो अनुग्रह करने नहीं आ रहा, अब वो न्याय करने आ रहा है, अभी उनको लेकर जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। उसका अनुग्रह का समय चल रहा है अभी, अपने पापों को मानकर, अंगीकार करके, प्रार्थना के साथ क्षमा मांगकर प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जियो, तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाओगे और जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो अनंत काल में नरक में डाल दिए जाओगे, जहां पर रोना और दांत पीसना है, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में डाला जाए, इसीलिए देर कर रहा है ताकि लोग मन फिरा सके। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि तुम विश्वास करके उद्धार पा सको, अनंत काल के नरक से बच जाओ और अनंत काल के स्वर्ग में जा सको। मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि अपने जीवनों को परखो, देखो तुम नरक जा रहे हो या तुम्हारे अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बीतने वाला है, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं।